गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं उठकर सिर्फ झाड़ू ही लगाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह मुझे ज़्यादा काम करने के लिए नहीं पड़ता। बर्तन बर्तन मैं सब रात को साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आ गई थी छत के ऊपर। मेरी जो पौधा हुआ है छत के ऊपर, सब पौधे में मिलीबग्स लग चुकी है। मेरे पास कोई भी कीटनाशक नहीं है उसमें डालने के लिए। मैंने सोचा थोड़ी सी हम जो डिटर्जेंट भीम लिक्विड पानी में डालकर और उसमें थोड़ी सी ऑयल डाल दिया था, उसको मिलाकर सारी पौधों में डाल रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के बाद। मेरी यहाँ पर मिर्ची, गुल्लट, सारी पौधे में, करी पत्ता, सारी पौधों में थोड़ी थोड़ी मिलीबग्स आ चुका है। मेरे पास और कोई विकल्प पंथा नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट ने भीम लिक्विड डालकर सारी पौधे में डाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, अब सब काम हो चुका है। मैं नहा धोकर पूजा भी कर चुकी हूँ। अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में आपको एक उपमा की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा ना, मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द बन जाएगा। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए और चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैंने एक न्यू साड़ी पहनी है, देखिए बिल्कुल कॉटन की साड़ी है। आप लोगों को साड़ी पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के रख दिया। गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी जीरा, उड़द दाल और राई। सब डालने के बाद हम थोड़ा चटकने बाद डाल देंगे प्याज। यहाँ पर देखिए हरी मिर्च, प्याज, करी पत्ता सब डालकर हम उसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद उपमा में हम ज़्यादा वक्त तक प्याज को नहीं भुनेंगे। यहाँ पर मैंने डाला तिल, व्हाइट तिल। मुझे व्हाइट तिल पसंद है उपमा में। यहाँ पर सब्जी में नया गाजर, बीन्स, फूलगोभी और टमाटर, सारी सब्जी को मैंने डालकर भून लूँगी। अच्छी तरह भून लीजिए। आज मैंने आपके साथ ब्रेड उपमा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर मैंने डाला नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर डालकर हम उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक हम उसको मिलाएंगे। सारी सब्जी हमको बॉयल करना है, क्योंकि हम ब्रेड तो ज़्यादा बॉयल नहीं होता है, इसीलिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है आपकी पसंद। मेरे पास था तो मैं डाल दिया। और सारी सामान को डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद डाल देंगे टमाटर डालकर टमाटर सॉफ्ट होने तक हम उसको फ्राई करेंगे। आप लोग सब्जी को कढ़ाई में ही बॉईल कर लेना, हमने तो ब्रेड डालने के बाद और हमको सब्जी बॉईल करने के नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 कप पानी। पानी डालकर अच्छी तरह सारी सब्जी को हम सॉफ्ट कर लेंगे। अब हमारी सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर डाल दूँगी ब्रेड। देखिए मैंने सारी ब्रेड को छोटे छोटे पीस में काट लिया था। डालकर हम सारी सब्जी के साथ ब्रेड को अच्छी तरह मिला लेंगे। आप लोग एक बार बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी ब्रेड उपमा की रेसिपी आप लोग को किस पसंद आया कि नहीं। प्लीज़ एक बार बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। सारी ब्रेड को सब्जी से मिलाने के बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो नींबू निचोड़ लीजिए। मेरे पास चाट मसाला था, इसलिए मैंने चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लिया। और सबको भी पसंद आया था। आजकल बच्चे
चटपटी खाने को पसंद करता है। अब तो लॉकडाउन हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको एक एक छोटी छोटी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आता होगा। यहाँ पर देखिए मेरे ब्रेकफास्ट बन चुका है। हम सब लोग खाने के बाद मैं तुरंत आ गई थी लंच बनाने के लिए। कल भी मैंने ब्लॉग में बोला था मेरे पास कुछ भी सब्जी नहीं थी, आज भी नहीं है। यहाँ पर मैंने पकौड़े की सब्जी बनाऊंगी, इसीलिए मैंने बेसन में नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और जीरा डालकर 10-15 मिनट तक रख दिया था मिलाकर। उसके बाद मैं जब पकौड़े बनाने की आई ना, उसलिए खाने वाला सोडा डालकर फिर मिला लिया। उसके बाद मैंने पकौड़ा बना लिया। आज मैंने पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैंने बनाई थी दाल, पकौड़े की करी और साग बना लिया था। यहाँ पर सारे पकौड़े को मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ी कम ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया था। आप लोग देखते होंगे कढ़ाई में थोड़ी सी कम तेल ऑयल मैंने डाली थी। यहाँ पर इसी कढ़ाई में डाल दिया जीरा। उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज को ब्राउन कलर होने तक हम उसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम जिस तरह सारी सब्जी बनाते हैं, मैंने भी इसी तरह उसको बनाई थी। सब प्याज हमारा ब्राउन कलर हो चुकी है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालकर उसके बाद हम डालेंगे सारी सूखे मसाला। मसाला में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। सारी पाउडर को डालकर अच्छी तरह हम उसको भून लेंगे। भुनने देखिए अब भून चुका है, तो अब हम डाल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालकर हम अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे। मेरे पास उबले हुए आलू था, तो इसीलिए मैंने उबले हुए आलू को इसमें डाल दूंगी। और कच्चे आलू मैंने नहीं काटे थे, क्योंकि अब मैं डाला कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालकर मिला लेंगे। उसके बाद मैं डाल दूंगी आलू। उबले हुए आलू को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था। आप लोग चाहें तो थोड़ी सी कच्चे आलू को ऑयल में फ्राई करके डाल दीजिए। इतना ऑयल हर वक्त खाना भी पसंद हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए कभी कभी हमको सिंपल तरीके से खाना बनाना भी चाहिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 ग्लास पानी मैंने डाली थी, क्योंकि हम जो पकौड़ा डालेंगे ना ग्रेवी सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आप लोग पहले से डाल दीजिए पानी। अब ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ है, आलू तो हम बॉयल हो चुका था, इसीलिए मैंने फटाफट पकौड़े डाल दिया। पकौड़े डालने के बाद मैं डाल दूँगा गरम मसाला। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।